रावाच अकले रह गए। बस करो भाई, खाम खा जुन्नो पक्यों केंदे हो, चलो 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 कुछ भी नहीं आखिया इन्हें आप मेरा राह डक है मैं किसी का आखना मैं तो सिर्फ अपनी शहजादी के बारे में जी सोचना चाचा तू किधर चलना है दरअसल चाचा गाले में के इन्हें जंगलों में अपनी शहजादियां लोड़ लोड़ के थक गया चाचा बड़ा खूबसूरत इलाका है हर तरफ सब्ज़ ही सब्ज़ है कदे इस जमीन में मिल चले नाल जंगल भी फिर तो मजे ही मजे 300-400 का रकबा तो उसी अगर ये सारी जमीन किसी एक आदमी की हो गए तो मैं उस को चाक इंसान तो इस नाल जमरत खान की ब्लैकमेलिंग को मेरी जान भी छुट चुल सी सलाम साहब जी वालेकुम सलाम क्या ले बाबू शुक्र है ये जमीन किसकी ओ जी ये मलक महबूब साहब की जमीन है मलक महबूब ये कौन है वो शहर ही रहते हैं मर गए हैं उन्होंने एक धी है वो भी शहर ही रहती है किधरे किधरे आती है जमीन से कहना है उसकी धी का बाबू जी जरूरी तो नहीं कि अगर उसकी परफॉर्मेंस इस बारी अच्छी नहीं आई तो अगली बारी भी अच्छी ना हो सी तो समा इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए है इससे पहले कि दुनिया वाले रिएक्ट करूँ तो आप उनके अली खयाम दी थी इतनी नलायक ही फिर क्यों बाबू जी तुसी भी ना कदे उसके रिश्ते पिछे पै जुलते हो कदे उसकी स्टडी के बारे शुरू हो जुलते हो बाबू जी उसकी अपनी जिंदगी है उस अपनी मर्जी नाल जीवन दो ना क्या मतलब है तेरा बाबू जी मेरा मतलब बिल्कुल साफ है देखो उसकी हर गल अपनी मर्जी ना करो हर गल मुदाखलत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं ना सनी बेटा तू चाहनी है कि जो कुछ उसे दिले बच आवे पे ही करे देखना सेठ जमाल दे पुत्रे का इतना अच्छा रिश्ता है साड़ी टक्कर दे लोग बिजनेसमैन फैमिली है लेकिन मैं पूछा तो ना कर छोड़ी पता नहीं उसके जहन बच के भी के चाहती है के कर सी बाबू जी देखो ना वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं कि अपना अच्छा बुरा ना समझती हो उसे किसी सहारे दे बगैर अपने पैरों से खलने दो मेरा ख्याल है सने बेटी वो इतनी बड़ी नहीं हुई अच्छा तो वड्डा होने दो उसने बाबू जी आखिर कदों तक उसकियाँ तुसी बसाखियाँ बनसो देखो ये सारी गल्लां दसणियां जमाने की ऊंच नीच समझाना ये माओ पिओ का फर्ज होंदा बेटा ये गल तो ठीक है बाबू जी
पर असीं जिंदगी दी उस रेस विच भी दौड़ने आ जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन नहीं। बस दौड़दे दौड़दे जदों असीं थक के टह चुरसा फिर खत्म हो जुलसी। बाबू जी देखो ना वनीजा की अपनी जिंदगी है, वह अगर अपनी मर्जी नाल गुजारना चाहती है तो उसे अपनी जिंदगी इंजॉय करने दो ना। I don't know, तुसां दोवां भैणां दी एक अपनी एक लॉजिक है, पर दुआ करो कि सारा कुछ ठीक होवे। इंशाल्लाह। मैं लख वारी आख्या मेरी गल नाल हाथ ना लाया करो, तुसां दूसरे दी चीजां विच उंगलियां मारने दा बौछो के चार कतल करके आया है तो रोना आया उड़ के कर से बोलने बड़ा कार फिर छोड़ से तू लागे दा डीसी नहीं लगे दा कौड़ा जब चला चले ना उस गोली मार छोड़ दें समरो खान। ये कुछ पुराने हो गए, कल परसों तक दो नवे मकरूर पे आ गए गलती ना कर सकी। तू इतना पुराना आदमी है, समझदार आदमी है, चलिए अच्छे लगी है आंदा जी, गल ना हो गया अच्छा। सारे तैयारी करो, काला खान की जिली उसे कब्जा करना है समझे, इस तरह कर दो ना दो कोटरी पकड़ के लिए, ये पता लग जाए क्रॉस करना पै रहे उन्हें मारना पै रहा, ठीक है ना? ठीक है सर, चलो गले लगो पहले फिर दुनिया, और आइंदा एक काम ना हो गया सर, जमिया पे चार बनाने फार्म फन करनी जो तैयारी करो। हाँ करी मेरी हुरिया नाल गल होई है, मैं उस आखिया कि बस तेरा क्या ख्याल है? बुजुर्गां अगे मेरी क्या जरूरत है, जिंजू बुजुर्ग आखसन बुजुर्गां दा आखना कौन टालक है। बुजुर्ग आखने दा शुक्रिया। वैसे मेरा ख्याल है होरियां नूं एक मजबूत सहारे दी जरूरत है, तेरा क्या ख्याल है इस बारे च? वनीजा तू ठीक आखनी है, अच्छा मैं इस बारे में कुछ सोचना, मसले विच उस नाल तेरा प्रॉब्लम की है उसामा? पापा नाल कोई मामला चलते हैं, जिस दड़े क्लियर हो गए इंशाल्लाह बुरिया अपनी धुनन बढ़ा के बड़े कार के नाल। देख मेरी गल सुन, तेरी मम्मी दी डेथ हो गई है ते तेरे कार भी एक औरत दी जरूरत है ना? अच्छा चल बाद में गल करसा, मैं किसी जरूरी काम में जुड़ना। ओके ठीक है उसामा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। रावां च अकले रह गए। मैं तेरी यही चाह पीने वास्ते सिर्फ आना, तुसां दे काबिल ते नहीं भरे, मैं अपने हाथ नाल, तू अपने हाथ नाल पां जहर पीते मैं वो भी पी के इंसान, असी ढूंढते रहे हैं वो ही गुजरे लम्हे,
तेरी यादां दे दीवे मैं अपनी पलकां ते हुण भी बलदे महसूस करना। मेरी यादां दे सारे नक्श मिटा छोड़े कोई, सुके पत्तियां दा ढेर साड़ छोड़े कोई। मेरी पहचान दा एक शख्स इसी शहर विच है, मैं जिंदा मौसा बतला छोड़े कोई। वाह 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 शेर जी, लगदे तनाई तुसा भी शायरा बना छोड़े। काफी दिन ते तुसी आए नहीं हो, इंतजार दे दरवाजे ते दस्तक देने। मेरा इंतजार? उस इंतजार का क्या फायदा जिस तक कुछ हासिल ना होवे। मेरिया अखियां बिच तेरी मुहब्बत दे दिए बलदे बलदे बुझने लग पे। तुसा अपने जज्बें की सदाकत ते यकीन है, फिर ना उम्मीदी के जी। हाँ, मैं अपने जज्बें की सदाकत का पूरा यकीन है, पर दुए पासो ठुकराए जाने का खौफ है, किधरे शर्मिंदगी ना होवे। वहम का इलाज ते हकीम लुकमान को भी नहीं, बरे तुसा वास्ते अर्ज है कि अल्लाह पाक इश्क भी किसी मुबतला ना करे। इश्क ते इंसान अपने आप को खास कहता है। इश्क खूबसूरत अनमोल तोहफा है जिड़ी मोहब्बत की महराज है। लेकिन इश्क तो मेरे नज़दीक एक ऐसी जंजीर है जिड़ी इंसान की रूह जकड़ कहती है, फिर कब्र तक नाल खड़ती। तौबा तौबा, अल्लाह इश्क की अग को हर किसी या बचावे। सर तू ना बोलती, तेरे अंदर अफजाल की मोहब्बत बोलती है। तू जो कुछ है वो ही बन, फरिश्ता बनने की कोशिश ना कर। जमाली जी सुभाना जरा चित के, मैं मॉडल जरूर हाँ, बहुत बुरी हाँ, मगर कमजोर ना। अच्छे दिले ना लाओ ते लखवारी, वरना वरना के तू मां तड़िया दे दी। सेठ जमाल ना तड़िया दे दी, जिस तू ना जिमी तो चाह के असमान ना ला छुड़े। जब जुबान खुल जले ते लियाज दी आदा मुक जुल दिया। सहर जी कागजे दी कश्ती पानिया बिच एक दम डुब जुलदी है। बस इतना ही प्यार है, ये इश्क है तुसा दा। थोड़ी देर पहले ते मोहब्बत दे चापे गिणदे हो, आज पता चला है तुसा मेरे नाल नहीं मेरे बनाओ सिंगार नाल मोहब्बत ही। आई एम सॉरी सर, मैं जज्बात पिच आके पता नहीं की के भग छुड़े। दरअसल मैं दिलो तेरी कदर कर रहा, तू चीर के मेरा दिल दे हक दिए। बस सब कुछ बोल के अपने चेहरे ते वो पुरानी मुस्कुराहट के नाण, जिड़ी मुस्कुराहट देख के मां जीने का एहसास होंदा है। जमाल जी तुसां दे इस एहसास ते इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। तुसां दे चेहरे ते मां मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। ओ तो ठीक है, लेकिन ये दसो कि ग्राएं बिचो हैंडीक्राफ्ट पार्ट्स मंगवाने की तजवीज़ किस दी? असा दी साहब, असा जो मार्केट में यह सामान इंट्रोड्यूस करवाया तो सारे डीलर ने बहुत पसंद किया। मार्केट में इस सामान की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है कि यह सामान पूरा करना मुश्किल हो गया। सर न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी इसकी डिमांड का इजाफा होया है। तो सानू पता है सर कि सामान एक्सपोर्ट करने वास्ते गिरावों में भी सामान लेना पैदा है। तो सर इस दौरान फैक्ट्री का मोराल उत्ते चले गए तो मुनाफा भी कई गुना बढ़ गए। हालांकि कुछ अरसा पहले फैक्ट्री खसारे की तरफ चली गई है। इसका मतलब है कि मैं झाख मार मां बिजनेस का कोई तजर्बा नहीं, मैं फैक्ट्री का डायरेक्टर हूं। तो तुसां दी जरूरत किस तरह हुई है कि मेरी इजाजत तो बगैर फैक्ट्री की प्रोडक्शन कम करके बड़े बड़े माल तुसीं खरीदना शुरू कर दो। सर इस सारे काम की निगरानी खयाम साहब खुद पे कर दें, तो खासकर एहसन रजा साहब जेड़े नवे मार्केटिंग इंचार्ज हैं वो इस प्रोसेस की बड़ी मेहनत पे कर दें। एहसन रजा
ये जातक आनी कोई ज्यादा सियाणा हो गया कितने भी सर अपने ऑफिस चो सी ऐसा रजा भेजो जरा जल्दी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम बैठ जी सर मिस्टर एहसन रजा अकाउंट्स के मामलात फरीद डील कर रहे तो मैं कुछ दिन से देखना कि कैश बुक ते तू कुछ नोट लिखे दे जिस काम वास्ते तू तुदा रखे एहसन रजा तू वही कर सर खयाम साहब मां अकाउंट बुक चेक करने का इजाफी चार्ज दिता है इसी वास्ते मैं कैश बुक चेक की थी सर बाबू जी बुजुर्ग हो गए उन्होंने इन शेयों का ज्यादा नहीं पता जिंजो मैं आखना वो ही कर ओके सर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम लगता है कोई एमरजेंसी मीटिंग हो रही है खरीद कोई खास नहीं अच्छा प्लीज सिट अप जी बाबू जी फैक्ट्री के मामलात काफ़ी बिगड़ गए तो प्रोडक्शन भी काफ़ी घट गई वेरी फनी पता नहीं अफजाल तू ये मफरूजे कितों अखज कर कहना हालांकि फैक्ट्री तो प्रॉफिट भी जा रही है जदों का असा ग्रावों तो हैंडीक्राफ्ट्स का माल कलैक्ट करना शुरू किया साड़ी कंपनी की रेपूटेशन मजीद उत्ते गई है और इस विच इन्हां सारे की बड़ी कंट्रीब्यूशन है I really appreciate. और अफजाल मैं फैसला किया कि इस दफा इन्हें सैलरी के नाल नाल बोनस भी देसा बोनस बोनस किस गल का बाबू जी इन्हें माशाल्लाह एक माकूल तनख्वाह मिलती और दूसरी गल बाबू जी एहसन रजा एज ए मार्केटिंग इंचार्ज अपॉइंट किया है असा तो दूसरे मामलात इंटरफेरेंस कर रहा अफजाल एहसन रजा मैं अपॉइंट किया इस टैलेंटेड गाय और मेरी सांख है कि ये सारे एक्स्ट्रा जोड़े हैं डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे तो इस तरह करो कि तुम लोग जुड़ो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू अफजाल तेरा एटीट्यूड में कुछ चंगा नहीं लगे तू मेरे को ज्यादा सियाणा हो गया बाईपास करना चाहना बाबू जी बाईपास मां की तजुर्बा ते फैसले भी एक तरफा होने दैट्स योर ओन थिंकिंग एंड दैट्स योर ओन फीलिंग अफजाल मैं तेरा प्यो हूं तो तू मेरा पुत्र प्यो को फैसला करने से पहले अपने पुत्र को पूछना जरूरी नहीं होता लेकिन अगर पुत्र कोई डिसीजन करना चाहे तो प्यो दसना बड़ा जरूरी होता है वैसे बाबू जी रिश्ते की तशरीफ बड़ी अच्छी की थी प्यो पुत्र हो मैं चलना रावाच अकले रे हो गया मासी जी तू आज आ रहा तो मेरा पुत्र घरे नहीं आया ओ देख मासी असि तेरे पुत्र दे कोई चौकीदार लगदे आ उसा लब दे फिरा ज्यादा ता ना चढ़िया सरदारिया मेरा पुत्र गुमया होया है कि जिस चीज गुमदी है ना उसा सारे चोर लगदे ने मां ते लगदा तुसा सारे ने रल मिल के मेरे पुत्रिया करिया का पीछा कीता है ओ मासी मैं तेरे घर आके हाथ जोड़ के तेरे कोलो माफी मांगी है मां बखो छोड़ मासी ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਕਿਨ ਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਕੱਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਅਲਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਕਿੰਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਇਤਬਾਰੇ ਜੋਗੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਸਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਸੀਆਂ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਚੋ ਇਹ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਪੇ ਹੀ ਇਸਾਂ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਦਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੂਰਤ ਖਾਨ ਪਿੱਦਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਮਾਰ ਸਹੀ ਨਾ ਤੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਆ ਸੁਣਨੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸੀਆ ਮਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਗਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜੁਲਣਾ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਕਾਕਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਇਦ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜੁਲੋਂ ਦੇਣਾ ਛੋੜਨਾ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਲੇ 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 ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨੇ ਹਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਮਸੀਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜੁਲੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਮਾਸੀ ਜ਼ਮੂਰਤ ਖਾਨ PhD ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਆਰਾਮੀ ਨਾਲ ਬੈਵਾ ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਲੈ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖ ਮੈਂ ਮੰਨਸਾਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਸੂਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲੋੜ ਆਣ ਸਾਂ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਂਝ ਦਾ ਸਾਗ ਫੁੱਟੇ ਦਾ ਨਾ ਸੀਂਝ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਖੋ ਧਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਗ ਵੀ ਖੋ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉਸਾਂ ਭਲਾ ਪਕਾ ਫਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਆਸਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਸਾ ਤੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਮਾਸੀ ਸਦਕੇ ਜੁਲੀਆ ਵਾ ਮਿੱਠਿਆ ਪਾਂਜਿਆ ਸਾਗ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਿਲਾਸਾਂ ਪਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਾਂ ਮਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਜੁੜਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਸੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਮਗਰ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੜੇ ਇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਲਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮੁਤਬਰ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਬਸ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੁਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦਸਤੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖਨੇ ਉਸਾਮਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਟੰਗੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਸ ਤਦਬੀਰਾਂ ਤਬਾਹ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੋੜੇ ਹੁਰੀਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਇਨਸਾਨ ਆ ਬੇਹਿਸ ਬਣਾ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬਸ ਹੁਣੀ ਸੁਣਾਓ ਕਾਕਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸ਼ਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਸਕ ਹੁਣ ਇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਲੋ ਜਿਹਦਾ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੋਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਲੱਸੀ ਪੀਵਾਂ
जितने करीब असी उतने ही दूर क्यों, जिंदगी दे सारे पल दुखा नाल चूर क्यों। तेरिया जुदाया च आसा दे बल दे दीवे बले रह गए, तेरिया जुदाया च आसा दे बल दे दीवे बले रह गए। रामा च अकले रह गए हो, रामा च अकले रह गए हो, रामा च अकले रह गए। आज कुछ ज्यादा देर नहीं कर सकती, तेरा सवाल कुछ ज्यादा नहीं हो गए? मैं तो दा लक फेरी आख्या कि मेरा इंतजार न करया कर। तेरा इंतजार ते मैं अजल तो कीता ते अब तक करसा, तेरे इंतजार जोगी ते मैं छीनी भी हां। सानिया बेगम, तेरा इंतजार ला हासिल है, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं आ। मैं तो दा यकीन ना लख नहीं, मेरा इंतजार कदे लासल ना हो सी। वाते ना सबर दा फल हमेशा मिठा होंदा। तू पागल है जली है, साए पीछे दौड़ लाई दिया, भूल जो अफजाल आ। अफजाल तेरे वास्ते एक सराब है, सहरा है, जिथे बटक बटक के तू मर जुल से। ले सानिया, जिसकी पहली ख्वाहिश अफजाल है ते मैं ओ हाँ, जिसकी आखिरी ख्वाहिश भी अफजाल है ते मेरी हर आरजू अफजाल दे प्यार तो शुरू हो के अफजाल दे प्यार ते ही मुक जुलदी है। मेरा ख्याल है कि तू ना किसी डॉक्टर को खड़ना पैसी, तेरी जहनी कैफियत माँ को ठीक नहीं लगती। हो अफजाल, माँ किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, माँ ते तेरे प्यार ते तेरी तवज्जो की जरूरत है। यार प्लीज अपनी ये फजूल गल्ला बंद कर, एक ते तेरी बेमकसद ते फजूल गल्ला नहीं मुकदियां। तुसी करो बाहर होंदे हो ना ते बहुत खुश होंदे, घर आंदे हो ते इतने पत्थर दिल किस तरह उछलते हो। कार दिलां दियां खुशियां नाल वसदे वरना ते कार चलदे। इनफ इज इनफ, अपनी ये बकवास बंद कर। बस अफजाल, बस हर गल की खाद होंदी है। मेरी भी वो काश खत्म हो गई है। बहुत हो गया अफजाल, तू मेरे प्यार मेरे एहतराम और मेरी कमजोरी समझ के मेरे से बहुत जुल्म कर छुड़े, मैं मजीद ये जुल्म नहीं सह सकनी हां। मैं सानिया वा, सानिया अली ख्याम, तेरे ने मेरा निकाह होया है, शादी हुई है, मैं तेरी कोई जर खरीद ना। तो मेरा हाथ पकड़े, अफजाल दा हाथ पकड़े है तू। बस अफजाल बस, मैं जान मार खा के दी, जान बेस्ती से की दी, अपने में ते अपने बाबू जी दी, असी असी बेस्ती ना सह सकती। बस मैं तुदा घरों कर छोड़ सा, और तीस करो मेरा जनाजा ही निकल सी, जीते जीते मैं इस घरों ना निकल दी ते ना ही अपने बाबू जी या कोई गल दसा। सानिया बेगम, मेरी भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। Thank you.
ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਵਾਂ ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਅਸਤੀਨ ਤੇ ਸਫੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਜੋ ਲੈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂਟ ਕੇ ਇਤਵਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਅਫਜ਼ਾਲ ਰੋਲਿਆ ਖੂਨ ਤੇ ਤਰੂ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਾਂ ਗਾਲ ਨਾ ਦਿਓ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਯਤੀਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਜੀਤੀ ਕੱਪੜੇ ਚਿਕਰ ਤੇ ਟੋਟੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜੇ ਜ਼ਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਆਇਆ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਕਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਕੂਨ ਕਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਉਂ ਇਤਨਾ ਤੜਪਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੜਪੇ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਇਤਨਾ ਦੁਖਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੇ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਤਰਸਾ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਰ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰੇ ਆਖਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਲਾਓ ਔਰ ਦੱਸਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਸਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਰਸਾਂ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਗਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮਰਸਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ Thank you.
ऐप उस जालिम शख्स ने दिए जिसने मेरे ते तरस नहीं खादा। मैं क्यों खाऊं इस ते तरस? افضل افضل خوش کرو افضل کی ویسا افضل